सर, जो मंजिल का तयन है आज का दिन, क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें? और ये जो सांस है, सबसे बेवफा अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो ये सांस है। ये जो इनटेक और आउटटेक है कि एक बार गया और अगर वापस ना आया तो सर फिर वो तो नाम भी वो नहीं लिया जाता, फिर हम कहते हैं कि मैयत आ गई है और कब दफनाना है। नाम उसी दिन, ये जो हमारे वालदैन ने या हमारे बहन भाइयों ने नाम रखे हैं हमारे, ये उस सांस के साथ हैं। उसके बाद कागजों में ये नाम रह जाएगा, लेकिन ये जो नाम है ये उसको कहेंगे यार ये मैयत जो है वो कब आ रही है वहां से हॉस्पिटल से, और कब जनाजा है। मरहूम जो है वो बहुत ही अच्छे थे। तो सर ये आखिरी सांस से पहले पहले जिसका हमें नॉलेज नहीं है, तो रेजोल्यूशन, रमजान और मंजिल जो है ये बताइएगा कुछ जी। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू प्रेजेंट रमजान। माशाल्लाह मदर भाई, ऐसा ही है जितना आपने इसको एम्फसाइज किया है और जितना इंटेंसली आपने इसको प्रेजेंट किया है, 100% यही इसकी डिमांड है और यही इसकी रिक्वायरमेंट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एहतसाब का महीना है, और एहतसाब आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी, और वो भी अल्लाह की अकाउंटेबिलिटी, की अकाउंटेबिलिटी, तो वो स्टैंडर्ड कितना हाई होगा। अनफॉर्चुनेटली हम रमजान को ऐसे लेते नहीं है, और कितनी दफा भी ये बात की जाए कम है, क्योंकि कुरान का मतलब खुद यही है कि बार बार पढ़ा गया, जितना भी रिपीट हम करेंगे इस स्पिरिट को, हालांकि हम हर साल इस पर बात करते हैं, रमजान गुजरता है फिर उसके बाद लाइफ टेक्स ओवर, तकवे का लेवल डाउन होता है, ईमान का लेवल डाउन होता है, और जो जहन पूरा महीना बनाता है इंसान, और हम लोग यू नो आपकी ट्रांसमिशन के जरिए इतनी एक एनर्जी के साथ और एक पूरी जिसे कहते हैं ना कि खुलूस के साथ हम इन वेव्स को भेजते हैं कैमरे के जरिए पूरी दुनिया में, एक एंटीवायरस हम भेजते हैं पूरी दुनिया की तरफ, ताकि सबका, हर देखने वाले का, हर सुनने वाले का कनेक्ट हो जाए। जो ट्यूनिंग आप चाह रहे हैं, आपके सवाल में जो जो ट्यूनिंग और जो तकवा आप चाहते हैं कि लोग उस तकवे से रमजान को देखें, तो वो हम इस कैमरे के जरिए हम बेदार करने की कोशिश करते हैं, वो जितनी दफा भी की जाए वो कम है, और कुरान का मतलब ही बार 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 पढ़ा गया, यही अल्लाह का तरीका है एजुकेशन का, क्योंकि इंसान का नफ्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बार 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 उसको रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं, रीअश्योरेंसेस चाहिए होती है उसको, बार बार रिमाइंडर चाहिए होता है उसको, बार बार रिव्यू करवाना होता है उसको, बार बार एनालाइज करने पे मजबूर करना होता है। तो यकीनन रमजान मंजिल का जो लेंस है को देखने का, उसको साफ करने के लिए आता है, और एक रिमाइंडर लेकर आता है कि हिसाब करीब है, अपना एहतसाब कर लो इससे पहले कि अल्लाह हिसाब ले। ये भी कॉल है, उमर खत्ताब रदी अल्लाह ने फरमाया कि अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि अल्लाह हिसाब ले। तो आपको पता है कि मंजिल अल्लाह ने कुरान के साथ जोड़ दी है, रमजान में कुरान दिया और फिर फरमाते हैं कि इन्नल लज़ी फ़रज अलैकल कुरान, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि जिसने तुझ पे कुरान फर्ज कर दिया, लरादुका इला माद, ताकि वो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा दे। सो रमजान में कुरान भेजने का मकसद ही यही था के मंजिल के लिए ये GPS बन जाए, ये नेविगेशन सिस्टम बन जाए, एक बच्चे का, एक बड़े का, एक माँ का, एक बाप का, एक पूरे मोशरे का ये GPS बन जाता है,
और रमजान आता ही इसलिए कि जिनकी जिंदगी में पहले से ये जीपीएस है वो मजीद इसको अलाइन, इसके साथ अपने आप को अलाइन कर ले। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी राउंड अबाउट पे फंस गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई एग्जिट मिस कर गए हैं, जिस तरह वो जीपीएस वाली जो खातून है वो पीछे पड़ जाती है, टेक द नेक्स्ट यू टर्न, टेक द नेक्स्ट एग्जिट, टेक द नेक्स्ट एग्जिट, वो नहीं जान छोड़ रही जब तक आप एग्जिट ले नहीं लेते। इसी तरह जब तक कुरान जिंदगी में खुला हुआ है जिन खुश नसीब लोगों का जो रेगुलर हिदायत ले रहे हैं कुरान, उनकी जान नहीं छोड़ना वो राइट एग्जिट नहीं। एंड रमजान इज द राइट मंथ दोबारा से अपना कनेक्शन बहाल किया जाए कुरान के साथ, दोबारा से अल्लाह के साथ तजदीद एहद वफा किया जाए, अपने ईमान को दोबारा से खंगाला जाए, उसमें जितने भी मट्टी कटा जो भी एक अप एंड डाउन होता है, हम सब इंसान हैं, फिर से अपने आप को तैयार किया जाए। बदर भाई आई थिंक आपने ये बेहतरीन सवाल उठाया है कि मंजिल का तायुन जो है वो रमजान करवाने के लिए आया है और साथ वार्निंग्स लेकर आया है, जहां खुशखबरियां लेकर आया है रहमत के अशरे के साथ, वहां वार्निंग्स भी रहमत का ही हिस्सा है कि बहुत सारी आयात ऐसी पढ़ी जाएंगी, बहुत सारी अहदीस ऐसी पढ़ी जाएंगी, बहुत सारे सवाल बदर भाई आप ऐसे उठाएंगे जिससे वार्निंग्स मिलेंगी बहुत सारे लोगों और हम सबको, लेकिन उन वार्निंग्स को भी पॉजिटिवली ले रहे हैं क्योंकि कुरान का मकसद ही इस दुनिया में बचाना है। क्योंकि एक दफा जब वो एग्जामिनर शीट आपसे ले लेता है फिर आप दोबारा उस पर लिख नहीं सकते, फिर उसके बाद बोनस है कि अल्लाह की कोर्ट में बॉल चली गई है, बट जब तक हमारे हाथ में है वी नीड टू डू आवर बेस्ट।